टेक्निकल जाफर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे रास्पबेरी पाई के बारे में। रास्पबेरी पाई होता क्या है, रास्पबेरी पाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और रास्पबेरी पाई के एप्लीकेशंस क्या हैं, और रास्पबेरी पाई का कॉस्ट कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए रास्पबेरी पाई होता क्या है। आपने देखा है कभी सीपीयू को देखा है, सीपीयू कितना होता है, इतना बड़ा होता है। तो उसी उसी जो सीपीयू वर्क करता है ऐसे ही रास्पबेरी पाई भी वर्क करता है। जो सीपीयू में जितने कंपोनेंट्स होते हैं वैसे ही रास्पबेरी पाई में भी कंपोनेंट्स होते हैं। आप जैसे सीपीयू को लेकर कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या जावा 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 को रन कर सकते हैं, वैसे ही आप इस रास्पबेरी पाई की मदद से भी कर सकते हैं। ये रास्पबेरी पाई बनाया कि इसके लिए गया है कि खासकर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जो पीसी को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये रास्पबेरी पाई बनाया गया है। तो ये लो कॉस्ट है और आप देख सकते हो कितना छोटा है, एक मोबाइल की साइज़ उतना है। लेकिन जितना पीसी जितना वर्क करता है उतना ही रास्पबेरी पाई भी वर्क करता है। इसमें भी देख सकते हैं आप यूएसबी पोर्ट्स हैं, लैन पोर्ट हैं, ऐसे ही पावर के लिए भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक सीपीयू जैसे वर्क करता है एज इट इज़, वैसे ही रास्पबेरी पाई भी यूज़ होता है। तो चलिए हम इस रास्पबेरी पाई से क्या क्या कर सकते हैं। जब हम इंजीनियरिंग में आ जाते हैं फाइनल या थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो हमें रास्पबेरी पाई दिया जाता है कि कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ। लेकिन आपको पता नहीं होता कि इस रास्पबेरी पाई होता क्या है, आपको पहले तो यही पता नहीं होता। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालना है, इसे रन कैसे करना है, इसे कीबोर्ड माउस कैसे अटैच करना है, आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो टीचर्स कुछ भी नहीं बताते। तो चलिए मैं आपको सभी कंपोनेंट्स और इसके बारे में डिटेल में पूरी सीरीज़ में बता रहा हूँ। मैं इसकी रास्पबेरी पाई की पूरी सीरीज़ आ रही है टेक्निकल जाफर के यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो आप इस रास्पबेरी पाई की मदद से पाइथन में कोड करके आप इससे कोई भी होम ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो या फिर ड्रोन बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे इनपुट आउटपुट पिन्स की मदद से, जो इस पे जीपीआईयू पिन्स होते हैं, इन पिन्स की मदद से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। तो और इसका कॉस्ट कितना है, तो लगभग इसका कॉस्ट 3,500 तक मिल जाएगा। लोकल मार्केट में आपको कुछ कम में भी मिल जाए। आप अगर परचेस करना चाहते हो तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहां से परचेस कर लो। और इसे रन कैसे करते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालते हैं, इनके पूरे कंपोनेंट्स को डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरी इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हो। मैंने सभी इस डिटेल्स में इन सभी कंपोनेंट्स को समझाया है, इसे कैसे रन करना है, बेसिक प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अगर आप बेसिक जान लोगे तो फाइनल ईयर में आने के बाद आप इससे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो फिलहाल मैं इसके बारे में जितना भी बेसिक हो सकता है बेसिक पूरा मैंने कवर किया है। तो आप आने वाली पूरी सीरीज़ को देखो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।